जय स्वामीनारायण। भक्तों, श्रावण मास में अजा नामनी एकादशी आवे छे। भक्तों, आ एकादशी नु व्रत करवाथी अने आ एकादशी व्रतनी महात्म्य कथा सांभळवाथी आपणने अश्वमेघ यज्ञनु फळ मळे छे। तो आवो भक्तों, आपणे सांभळीए अजा एकादशीनी व्रत विधि अने एकादशी व्रत महात्म्य कथा। भक्तों, युधिष्ठ राजा पूछे छे के हे श्री कृष्ण, श्रावण महीना में कृष्ण पक्ष ने विषे कया नाम वाली एकादशी थाय छे ए सांभळवा हूँ इच्छू छू, माटे ते मने कहो। त्यारे श्री कृष्ण बोलिया के हे युधिष्ठ राजा, श्रावण महीनाना कृष्ण पक्षनी सर्व पापोनो नाश करनारी अजा एवे नामे प्रख्यात एकादशी हूँ तने विस्तारथी कहूँ छू, माटे तू एक मनथी सांभळ। जे मनुष्य आ एकादशीना दिवसे ऋषिकेश भगवानी पूजानी साथे आ एकादशीनु व्रत करे छे ते मनुष्यना पापो नाश पामे छे, एटले के नाश थाय छे। हे युधिष्ठर राजा, आ एकादशीथी अति उत्तम तथा बन्ने लोकने हित करनारी बीजी कोई एकादशी नथी। आ मैं तने साचे साचू कह्यू छे, आमा काई पण जूठू कह्यू नथी। पूर्वे हरिश्चंद्र नामे चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञावाड़ो प्रख्यात राजा सगड़ी पृथ्वीनो पति हतो, ते कोई पण कर्मना योगथी राज्य भ्रष्ट थयो अने तेणे स्त्री तथा पुत्र ने वेचीने छेवटे तेने पोतानु पण वेचवू पड्यू हतु। हे राजाओमां इंद्र युधिष्ठिर राजा, पुण्य करनारो ते हरिश्चंद्र राजा चांडालना दासपणाने पाम्यो हतो, अर्थात चांडालने त्यां दास तरीके रह्यो हतो। राजाओमां श्रेष्ठ तेवो ते हरिश्चंद्र राजा सत्यने वड़गी रहेवाथी सबना वस्त्रने लेनारो थयो, तो पण सत्यथी चलायमान थयो नहीं। आ प्रमाणे चांडालना दास तरीके काम करता ते राजाने घणा वर्षो वीती गया। त्यारे चिंताने आधीन थयेलो ते हरिश्चंद्र राजा अत्यंत दुखी थयो अने दुखी थतो थतो कहेवा लाग्यो के हवे हूँ शूँ करूँ अने क्यां जाऊँ। अरे रे, हवे मारो केवी रीते छूटको थाय। ए रीते चिंता अने दुखरूप अर्थात पापरूप समुद्रमां बुडेलो ते हरिश्चंद्र राजाने चिंतातुर जोईने गौतम नामे कोई मुनि हरिश्चंद्र राजानी पासे आव्या। कारण के ब्रह्माए पण परोपकार करवा माटे निर्मेला ब्राह्मणोमाना ते एक ब्राह्मण हता। आ ब्राह्मणने हरिश्चंद्र राजाए नमन करी बे हाथ जोड़ी ते गौतम मुनिनी आगळ ऊभो रहीने पोताना दुखनु वृतांत कहेवा लाग्यो। हरिश्चंद्र राजाना वचनों सांभळीने विस्मय पामेला ते गौतम मुनिए ते राजाने एकादशीना व्रतनो आ प्रमाणे उपदेश कर्यो। हे राजा, श्रावण मासना कृष्ण पक्षमा सुंदर अति पुण्यने देनारी अने प्रसिद्धिने पामेली अजा नामे एकादशी आवे छे। हे राजा, तू आ अजा एकादशीनु व्रत कर, तेथी तारा पापोनो नाश थशे। वड़ी तारा भाग्य तारे आधीन होवाथी आ अजा एकादशी आजथी सातमे दिवसे आववानी छे, माटे ते दिवसे ते एकादशीनो उपवास करवामां तत्पर थजे। अर्थात उपवास करीने रात्रे जागरण पण करजे, जेथी करीने तारा सगड़ा पापोनो क्षय थशे। हे राजाओमां उत्तम, हूँ तमारा पुण्यना प्रतापथी ज अहीं आव्यो छूं। आवी रीते कहीने ते गौतम मुनि अंतर ध्यान थई गया। भक्तो, हवे ते हरिश्चंद्र राजाने ते गौतम मुनिनुं आवुं वचन सांभळीने आ अजा एकादशीनुं उत्तम व्रत कर्युं, तेथी तेना पापोनो क्षणवारमां नाश थयो। हे राजाओमां श्रेष्ठ युधिष्ठिर राजा, हवे हूँ तमने आ अजा एकादशीना व्रतनो महिमा कहूँ छू, ते पण सांभळो। आ अजा नामे एकादशी व्रतथी
જે દુઃખો ઘણા વર્ષો સુધી ભોગવવાના હોય તેનો પણ ક્ષય થાય છે। તેથી જ તે હરિશ્ચંદ્ર રાજા આ વ્રતના પ્રતાપથી દુઃખને તરી જઈને સ્ત્રીના સમાગમને તથા પુત્રના જીવનને પામ્યો। આ એકાદશીના વ્રતની શક્તિએથી દેવતાઓના નગારા વાગવા માંડ્યા અને તે હરિશ્ચંદ્ર રાજાને સ્વર્ગમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થવા માંડી અને તે રાજા શત્રુઓ વગરના રાજ્યને નિષ્કંટક રાજ્યને પ્રાપ્ત કરીને પછી તે હરિશ્ચંદ્ર રાજા નગરને સામાન્ય સાથે સ્વર્ગની અંદર ગયો। માટે આવા પ્રકારનું આ અજા એકાદશીનું વ્રત જે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો કરે છે તેઓ સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈને જરૂર સ્વર્ગમાં જાય છે। હે રાજા, આ અજા એકાદશીનો પાઠ કરવાથી અને સાંભળવાથી અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। ભક્તો, તે પ્રમાણે શ્રી બ્રહ્માંડ પુરાણને વિશે શ્રાવણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની અજા નામની એકાદશીનું મહાત્મય સંપૂર્ણ। જય સ્વામિનારાયણ।